गर्मी का सीजन चल रहा है, साथ में आम वाला मौसम भी आ गया है, तो कच्ची कैरियाँ मार्केट में बहुत आ चुकी हैं। तो ऐसे में तो आम पन्ना बनाना बनता ही है, ये जो लू से हमको बचाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आम का पन्ना बनाने के लिए हमने ये दो कच्चे आम लिए हुए हैं, तो इनको हम सबसे पहले धुल लिए हैं, और इनका जो ये किनारे वाला जो ये वाला हिस्सा होता है हम इनको हटा देंगे, इनको काट लेंगे थोड़ा सा हम, क्योंकि इसमें बहुत चिपचिपा होता है। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इनमें हम दोनों कैरियों को डाल लेंगे, और इसमें हम 1 कप के करीब पानी डालेंगे, और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी इनको पकने तक हम इनको उबाल लेंगे। तो फ्रेंड्स आम बहुत अच्छे से हमारा उबल गया है। तो फ्रेंड्स आम बहुत अच्छे से उबल गया है, अब इनका छिलका हटा लेते हैं, किनारे कर लेते हैं, ठंडा भी हो गया है। ये सारा जो अंदर का ये गुद्दा है सब निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने मतलब मैंगो का जो कच्ची कैरी होती है उसका पल्प हमने निकाल लिया। तो आप चाहें तो इनको ऐसे ही, इतना ये अच्छे से पक गया था कि इसमें भी जैसे नमक वगैरह डाल के चीनी, इनको मिक्सर जार में पीसने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन हम इनको मिक्सर जार में पीसते हैं। आम पन्ना को और टेस्टी बनाने के लिए हमने देखिए ये आधा कटोरी से थोड़ा सा ऊपर चीनी लिया हुआ है। आप अपने अनुसार, ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा चीनी और बढ़ा सकते हैं। वैसे हम ये बस 2 गिलास के लिए ही बना रहे हैं, ज़्यादा खट्टी कैरी है तो थोड़ा चीनी बढ़ा लें। और मैंने ये थोड़ा सा पुदीना लिया हुआ है फ्रेश, और 1 नींबू लिया है, इसको हाफ हाफ काट देंगे, इसमें कुछ निचोड़ भी देंगे और बीच का निकाल लेंगे गार्निशिंग के लिए। और इसमें मैंने बिल्कुल छोटी चम्मच के आधा काली मिर्च पाउडर लिया हुआ है, काला नमक है ये, और ये भुना हुआ जीरा पाउडर है। तो अब इन सब चीज़ों को हम एक जार में डालते हैं। एक जार लिया और इसमें हमने ये पुदीना डाल देना है, चीनी, और ये जो हमने काला नमक रखा हुआ था पाउडर, इनको, ये तो आप चाहे तो ऊपर इसे भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसी में डाल दे रहे हैं, एक साथ मिल जाएगा। और ये जो पल्प था इसको भी डाल देते हैं। ये गर्मी में पीने वाला बहुत ही अच्छा शरबत है, जो लू से भी हमको बचाता है। अब इनको कुछ सेकंड के लिए ही ग्राइंड करेंगे। तो फ्रेंड्स सभी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो चलिए इनको गिलास में सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे, आपको जितना चीर पसंद हो, आप चाहें तो और भी ज़्यादा डाल सकते हैं, और इसमें चिल वाटर ही डालेंगे। तो जो पल्प हमने तैयार करा था उसको डालते हैं। तो अब फ्रेंड्स थोड़ा सा इनको गार्निशिंग के लिए हम ऊपर से ये पुदीना रख देते हैं। ऊपर से आप चाहें तो चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। नींबू का रस 2-2 बूंद ऊपर से ही हम डाल दे रहे हैं इसमें। गर्मी के लिए तो सबसे अच्छा ड्रिंक है ये, पेट भी सही रहता है। और मैंने ये नींबू का ये स्लाइस काटा हुआ था एक साइड में, इनको भी हम लगा दे रहे हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार है हमारा समर ड्रिंक आम पन्ना। और वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
समर ड्रिंक की स्पेशल रेसिपी जो बिल्कुल 2 से 3 मिनट में तैयार हो जाता है। बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी दें। इनको तुरंत बनाएं और तुरंत पिएं। अच्छा है तो आप इनको स्टोर भी कर सकते हैं।